कहेंगे आज का जो जो चुकादा है? देखिए, कोर्ट का जो फैसला है वो सबको स्वीकारना चाहिए, वही साच्चे अर्थे में सत्य में जयते है। किस तरीके से देखते हैं आप? पहले से बताइए कि आपने जो किस तरीके से इसमें लेके गए थे इस मामले को आगे। ये तो पूरा सबको मालूम है। फिर भी एक बार, जब 2019 के चुनाव में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में जनसभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था, तो उस समय श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो निवेदन किया था, संबोधन किया था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, उसके बारे में पूरे भारतवर्ष में मोदी समाज, मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी उपनेमधारी, मोदी ज्ञाति अनेक करोड़ों लोग हैं। इस समाज को गाली देना ठीक नहीं है, इसके लिए हम लोग समस्त गुजराती मोड समाज के में उपप्रमुख की जिम्मेदारी थी। हम सूरत की कोर्ट में गए थे और 2019 के बाद 2023 में जब दोनों पक्षकारों का एविडेंस रखा गया, दोनों पक्षकारों का विटनेस को तलाशा गया, दोनों पक्षकारों का सभी बात दोनों दलील होने के बाद जब फैसला आया तो श्रीमान राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई। बाद में सेशंस कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए गया, नहीं हुआ वहाँ, यहाँ भी आए थे, आज उसको भी खारिज कर दिया है हाई कोर्ट में। तो जब नामदार हाई कोर्ट का जब आता है तो फिर सब जो मैटर उससे बड़ी कोई बात। जो कोर्ट ने अभी जजमेंट के सुनवाई के वक्त जजमेंट डिलीवर करते वक्त उन्होंने जो मुद्दे दिए है उसके हिसाब से मैं जहाँ तक समझाऊँ कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, MLA MP होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। चौथा मुद्दा ये है कि इवन आफ्टर दिस केस व्हाट वी जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने वीर सावरकर की जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी, और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस हो गई है। वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूँ, आई विल नॉट से सॉरी, ऐसा स्टेटमेंट था जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में अवेलेबल था, दैट वी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड, अदर साइड डिड नॉट डिनाई इट, उनको ना नहीं बोला। एंड कोर्ट हैज कंसिडर एट दिस स्टेज, उसके साथ जो लोअर कोर्ट में अपील है उनको भी जल्दी से खत्म करे, ऐसा भी उन्होंने कोर्ट में ऑब्जर्वेशन किया हुआ।